शेखावाटी के लोक देवता जाहरवीर गोगा जी का मेला आज है। हर एक गांव ढाणियों की गोगा मेड़ी पर मेले का आयोजन हुआ। हजारों भक्त गोगा जी महाराज के शीश नवाने पहुंचे। फतेहपुर के टीले वाले गोगा जी की मेड़ी पर मारवाड़ी भाइयों ने देर रात तक गोगा जी महाराज के भजनों की प्रस्तुतियां दी। हजारों की संख्या में लोगों ने जागरण में शिरकत की। आज राजस्थान के लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला है, जो हर वर्ष यहाँ पे लगता है। यहाँ गोगा जी महाराज के प्रति बड़ी आस्था है और आस्था के साथ ये मेला सब मनाते हैं और सभी शहर के लोग आस्था के साथ इस मेले में आते हैं। गोगा जी महाराज सड़कों के देवता है और हर वर्ष किसान, यहाँ के आम नागरिक, खेतों में काम करने वाले, वो सब आस्था के साथ इनकी पूजा अर्चना करने आ जाते हैं। सदर थाने के इलाके के चाचीवाद बड़ा में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी को निरुद्ध किया है। आरोपी के पास से कब्जे से परिवार की मोटरसाइकिल, बैग, लूटे गए रुपए और घटना में प्रयुक्त चाकू को दिनांक 9/8/2022 को राजेंद्र है, जो भारतीय फाइनेंस इंक्लूजन कंपनी लिमिटेड का जो कलेक्शन का एजेंट है, चाचीवाद बड़ा के अंदर इसको जो है तीन व्यक्तियों ने चाकू दिखाकर उसको लूट लिया था। फाइनेंस की रकम और उसकी मोटरसाइकिल वगैरह लूट ली थी। इस पे जो है वो प्रकरण दर्ज करते हुए उच्च अधिकारियों के संज्ञान में देते हुए उनके निर्देशन में अपने सदर थाना अधिकारी कृष्ण धनखड़ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और उसने टीम ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग था जिसको निरुद्ध किया और दो को गिरफ्तार किया है। और जी उनमें इनसे जो है वो दोनों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनसे इस घटना में जो प्रयुक्त जो चाकू वगैरह वो रिकवर हो गए हैं और घटना में जो लूटी गई सामग्री है, मोटरसाइकिल, पैसे, उनका जो टैबलेट टैब था वो और उसके अन्य दस्तावेज वगैरह वो उससे रिकवर किए गए हैं। ये जो इसमें जो मुख्य आरोपी है भंवरलाल, वो सालासर थाने का स्टेशीटर है और वो मतलब पूर्व से ही उसकी चोरी, नकबजनी और लूट के मुकदमे उसके पहले से ही दर्ज हैं। ये तीन लोग ही इसमें शामिल होने की बात आई है, इसमें एक नाबालिग था और दो व्यक्ति ये थे। मंडावा रोड स्थित प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में शिक्षा अभियान की ओर से 6 कमरों का नवनिर्मित स्कूल का लोकार्पण शनिवार को विधायक हागम अली खान ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा डॉक्टर किशन लाल उपाध्याय, मुख्य अतिथि नपा अध्यक्ष मुश्ताक नजमी, विशिष्ट अतिथि सीबीओ बजरंग स्वामी, बीडीओ सुनील ढाका, प्रधान प्रतिनिधि महिपाल नेहरा रहे। जयपुर बीकानेर रोड पर स्थित सम्राट होटल में शनिवार को फतेहपुर के किसानों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि अनुदान को लेकर किसानों ने चर्चा करते हुए फैसला लिया कि प्रशासनिक सकारात्मक कार्रवाई होने की वजह से फिलहाल किसी तरीके आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। खरीफ 2021 की फसल अतिवृष्टि की वजह से खराब होने पर किसानों को मिलने वाला कृषि अनुदान अधिकारियों की लापरवाही से अटक गया था और उसी अनुदान को लेकर किसानों ने बैठक ली। फतेहपुर तहसील के 35,000 किसानों के कृषि आदान अनुदान खरीफ फसल 2021 का मामला जो पिछले समय से लंबी चल रहा था, पिछले जुलाई माह में फतेहपुर का किसान आंदोलनरत रहा। 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक गांव में यात्रा और महापड़ाव, उसके बाद में हमारे फतेहपुर से माननीय विद्याधर जी बगड़िया जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए जो है जयपुर मुख्यमंत्री जी के पास गया और उस प्रतिनिधिमंडल के ठोस आश्वासन के बाद में वो पड़ाव जो स्थगित किया गया था, उस पड़ाव को 30 दिन बीतने कल पूरे हो गए। इसलिए आज पुनः उन जो संघर्ष में जो साथी थे, जो किसान नेता थे, तहसील के जो अग्रणी लोग थे, उनकी एक आज मीटिंग बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है। हमारे बीच में जो डेलीगेशन गया था वो भी बीच में पहुंचा है और उन्होंने पूरी बात जो हुई है कि एक महीने के दौरान जो फाइल जो है
फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपदा प्रबंधन और जिला कलेक्टर प्रशासन, जो जिला प्रशासन है उसके बीच में क्या क्या उसमें आपत्ति, लेकिन किस तरीके से निस्तारण हुआ। तो फाइनली रिजल्ट ये निकला कि ये जितने भी अधिकारी हैं, चाहे जिला कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम हो, चाहे फाइनेंस के अखिल अरोड़ा जी, नरेश ठकराल, बुद्धिचंद बनकर जो इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आपदा प्रबंधन के आशुतोष पंडित के जितने भी 7-8 अधिकारी हैं, ये सब पॉजिटिव माइंड के साथ में काम कर रहे हैं। और जो एक बाढ़ शब्द कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी फाइल में, उसको पूरी करने के लिए पिछले 15 दिन से कलेक्टर महोदय के पास वो एप्लीकेशन लंबी थी, उनकी कॉल थी, सेक्रेटरी उनको बुलाया था और वो कल उन्होंने पूरी कर दी। इसलिए सब ये है कि सकारात्मक वे में जब है तो क्या पुनः अभी आंदोलन की अभी आवश्यकता है या अभी इसको देख के बाद में निर्णय लिया, तो सर्वसम्मति से आज ये निर्णय लिया गया है कि जब सकारात्मक वे में काम हो रहा है, अभी खेती किसानी का काम भी चल रहा है, तो अगर सकारात्मक और पॉजिटिव वे में सरकार चाहती है, सारे लोग सकारात्मक हैं, तो इसमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए और इसको देखते हुए 15 कार्य दिवस का समय देने का यहाँ निर्णय लिया है। हमारे साथ में समिति के मौजूद हैं माननीय वकील। फतेहपुर शिखा वादी के जानकी वल्लभ मंदिर में संत गोपेशाचार्य महाराज के सानिध्य में 12 बछड़े के साथ ही जय कन्हैयालाल के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। हाथी घोड़ापाल की जय कन्हैयालाल के उद्घोष के साथ जन्माष्टमी के अवसर पर श्री लक्ष्मीनाथ नगर गूंज उठा। गोविंदा आला रे संतों के सानिध्य में जमकर फूटी दही हांडी। रहने दे, रहने दे।